हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर लिया होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम को। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन अपलोड किए थे जहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है SSC के एग्जामिनेशन में या RRB के एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, तो इन्हें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है हमारे सोशल मीडिया को, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी में जो है एक ट्रांसपोर्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, रोड्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, उसी से रिलेटेड है कि कौन सा जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया में। आप देख लीजिए, जो नेशनल हाईवे 44 होता है, आप सभी जानते भी होंगे कि नेशनल हाईवे 44 जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे होता है। क्या है? लॉन्गेस्ट हाईवे है। अच्छा, किसे कनेक्ट करता है? ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से और तमिलनाडु यानी के कन्याकुमारी तक जो है ये एक्सटेंड है। लेंथ की बात करेंगे तो कितनी होगी? 3745 किलोमीटर की होगी। और इसी हाईवे का पुराना नाम नेशनल हाईवे 07 था। इसे जो है कौन डेवलप करता है, कौन मेंटेन करता है, कौन मैनेज करता है, तो वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसे याद रख लेंगे। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे उसमें नेशनल हाईवे 47A जो है, जो कि हमारा कंदनूर जो हमारा आईलैंड है केरला में, विलिंगडन और केरला में जो है ये उसे कनेक्ट करता है। सिर्फ 6 किलोमीटर का ये हाईवे है। तो ये वाला हमारे पास 44 जो होगा ये हाईएस्ट होगा, ये लॉन्गेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है आपका सॉइल है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल। देखिए, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था एलिवियल सॉइल पे और आज क्वेश्चन होगा ये रेड सॉइल पे, तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो रीजन जो है बताइए रेड कलर का जो रीजन है कि रेड सॉइल जो है वो रेड क्यों होती है, तो ये बेसिकली किस वजह से होती है? ये आयरन की वजह से होती है। किसकी वजह से? आयरन की वजह से। आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए कि जो रेड सॉइल होती है दे आर यूजली पुअर ग्रोइंग सॉइल। क्यों होती है पुअर ग्रोइंग सॉइल? इसमें जो न्यूट्रेंट होता है वो कम होता है, ठीक है, न्यूट्रेंट ह्यूमस जो होता है वो कम होता है, तो ये डिफिकल्ट होता है ऐसी सॉइल पे कल्टिवेट करना, और इस सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो होती है वो कम होती है। रेड सॉइल को हम जनरली जो है वो क्रिस्टलाइन रॉक से जो है वो ड्राइव करते हैं, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की मोस्ट डेंस लेयर जो है वो बताइए कौन सी है। तो आप अर्थ की लेयर्स के बारे में जानते होंगे, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, मैग्मा है। मैं आपको ये फिगर से दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए, ये आपके पास फिगर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि कोर होगा, फिर आपके पास मेंटल है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये आपका इनर कोर होगा, कोर में ही इनर कोर होगा, आउटर कोर होगा, फिर मेंटल होगा और फिर क्रस्ट होता है। यहाँ पर जो है पूछा गया है डेंस कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो डेंस होगा वो कोर होगा। तो याद रखेंगे कोर इज अ डेंस डेंट जो है डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो किस रेंज में होगी? 9.5 से लेकर 14.5 जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी, और कभी कभी उससे भी हायर हो जाती है। तो मेंटल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसे 3.3 से 5.7 जो है ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी, और क्रस्ट की जो होती है उससे भी कम होगी। तो ये जो है वो आप फैक्ट याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कोर की होगी, फिर मेंटल की होगी, और फिर फाइनली जो होगी वो क्रस्ट की होगी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। द मोस्ट अबोंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो कौन सा जो है पाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 78% जो है वो अर्थ में मिलता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलता है। ऑक्सीजन 20 point something है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है, फिर क्रिप्टॉन 0.001% होता है, हीलियम 0.005% होता है, और इसी तरीके से ज़ीनॉन और नियॉन भी जो है वो बहुत कम जो है वो क्वांटिटी में होंगे। तो मोस्ट अबोंडेंट जो होता है वो नाइट्रोजन होगा, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन के बारे में।
देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन लिए, एक एटमॉस्फेयर से ले लिया, ठीक है, एक अर्थ क्रस्ट से ले लिया और एक सॉइल से ले लिया। लेकिन अब जो हम ज्योग्राफी की जो है, फिजियोग्राफी, इन चीजों से जो है क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, कुछ फॉरेस्ट से कवर करेंगे, ठीक है, तो ऐसी चीजों से जो है क्वेश्चन कवर करेंगे या कुछ ओशन से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री? तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश ही वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा। तो मध्य प्रदेश जो होगी वो स्टेट होगी जहां पर सबसे ज्यादा जो होगा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होगा, तो याद रखेंगे। अच्छा, इसके बारे में हम कुछ और भी फैक्ट जानेंगे मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड, कि देखिए इंडिया जो है उसका रैंक कितना है, 10 है वर्ल्ड में पूरा, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेस्ट कवर जो है किया है वो 24.4% जो है वो लैंड एरिया को जो है वो फॉरेस्ट कवर किया हुआ है, और टारगेट जो है इंडिया का वो है कि 33% जो है हम लैंड को जो है वो फॉरेस्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस 24% जो लैंड को जो है मतलब जो फॉरेस्ट कवर में है, इसमें से भी जो है सिर्फ 2.4% जो है वो सरफेस जो हमारी है वो ट्री कवर में है, ठीक है, वो किसमें है, ट्री, जिसमें ट्रीज लगे हुए हैं। और इसके अलावा भी आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे को, ठीक है, कि 17% जो ह्यूमंस है पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, 18% जो है लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो इंडिया वाज प्लेस्ड 8th इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 नेशंस, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एनुअल नेट गेन इन द फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो है इसमें फॉरेस्ट कवर है। अच्छा, अगर पूछा जाए कितना है तो याद रखेंगे 77,414 स्क्वेयर किलोमीटर है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर, कितना है, 77,414 स्क्वेयर किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, जो ये अरुणाचल है ना ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो इसका भी आप फैक्ट याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितने में पे है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो तकरीबन जो है 66,000 जो है वो फॉरेस्ट कवर है, 66,009 कुछ 964 जो है स्क्वेयर किलोमीटर जो है उतना एरिया इन्होंने फॉरेस्ट कवर में रखा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो है 55,447 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो होगा वो फॉरेस्ट कवर में होगा इस स्टेट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप जो है वो याद रख लीजिए। और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी यूटीज है, जैसे कि लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का तो 90% कवर है एरिया जो है वो किसमें, फॉरेस्ट में है। हमारे पास कुछ और स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम है, उनका जो है 86% है। अंडमान का आप देखेंगे वहां पर 9 नेशनल पार्क है, तो उनका भी जो है 80% जो है वो कवर है किसमें, फॉरेस्ट में एरिया। तो ये भी फैक्ट आप याद रख लेंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द मोस्ट कोरल रीफ? तो वो कौन सा ओशन है जहां पर सबसे ज्यादा कोरल रीफ मिलेंगे? तो वो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, तो याद रखेंगे आर्कटिक ओशन में सबसे ज्यादा जो है वो कोरल रीफ जो है वो मिलेंगे। चलिए, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? देखिए जितना कॉमन क्वेश्चन है उतना ही ये ज्यादा पूछा भी जाता है कि वो कौन कौन सी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। थ्योरी की वीडियो में आप सभी को पढ़ाया है, तो वो हमारे पास 8 स्टेटें ऐसी आती है जिसमें जो अगर हम गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर हमारा जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम, ये जो है हमारे जो है वो 8 स्टेटें जो है वो आती है, और साथ में त्रिपुरा भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप देखेंगे उड़ीसा जो स्टेट है इस यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये सारी चीज, और इसके लिए ट्रिक भी है एक चीज याद रखने की। सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ ट्रॉपिक का, ये मैप है और ये देखेंगे आप लाइन, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास हो रहा है। अब ये किस किस स्टेट से पास हो रहा है आपको तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये गुजरात से पास हो रहा है, यहाँ पर जो है एमपी से पास हो रहा है, यहाँ पर आपको देख लीजिए छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर झारखंड से भी पास हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से जो है बंगाल से पास होगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 2 स्टेट है त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा, तो ये वो 8 स्टेटें है जहाँ से ये पास होता है। अब इनको ट्रिक जो है एक याद रखने की है, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे मीरास जेसीबी एट जीएमटी, क्या मीरा का जेसीबी है जीएमटी पे। अब देखो एम मीरा जो है इससे क्या होगा, एम से एमआई से मीरा से मिजोरम होगा, आर से राजस्थान होगा, ठीक है,
और फिर ये जेसीबी की बात करेंगे तो ये क्या है, ये देखिए जेसीबी में झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा और बंगाल होगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो है एट जो है वो जीएमटी है, तो यहाँ पर जो है जीएमटी से गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा होगा। तो इस तरीके से जो है स्टेट जो है वो याद रख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए। वेयर डज द पार्क स्ट्रेट लाइज, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट से रिलेटेड जो है आपको सारे स्टेट में पढ़ाऊंगा, बट ये जो है वो एमसीक्यू की वीडियो है, आप थ्योरी की वीडियोस के लिए जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है देख लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिलेगी, तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो पार्क स्टेट जो है आप जानते हैं कि ये इंडिया और श्रीलंका को जो है वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया की किस स्टेट को, तमिलनाडु, और जो श्रीलंका है वहां के किस प्रोविंस को कर रहा है, ये जफाना डिस्ट्रिक्ट को। पार्क स्टेट जो है ये याद रखेंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में होगा, ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से विद पार्क बे से साउथ वेस्ट में, तो ये भी फैक्ट है, तो इसे अच्छे से याद रखने वाले हैं। तो पार्क स्टेट किसे कनेक्ट करता है, तो सही आंसर जो होगा वो आपका इंडिया एंड श्रीलंका होगा। तो आप बीच में देख लीजिए माउंटेन्स के क्वेश्चन जो आप लेके आए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है पूछा जाता है कि माउंटेन रेंज के बारे में, इनके पीक्स के बारे में मैं थ्योरी की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, हर एक जो है पूरे इंडिया की माउंटेन रेंजेस पढ़ा चुका हूँ, आप थ्योरीज में देख लीजिए, ठीक है। लेक्चर नंबर शायद 16 या 15 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो कौन सी है ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो अरावली होगी, कौन सी होगी, अरावली माउंटेन जो होगी ये ओल्डेस्ट होगी। अच्छा, अरावली माउंटेन रेंज कहाँ पर पड़ती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ती है और तकरीबन जो है 692 किलोमीटर की है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, स्टार्ट होती है दिल्ली के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, फिर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जाके खत्म होती है। इसकी जो हाइस्ट पीक है उसका नाम जो है वो गुरु शिखर है, वो तकरीबन जो है 1722 मीटर की जो है वो अरावली रेंज पे होगी, गुरु शिखर माउंटेन। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक से जो है ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए। कोई देखिए कोई भी उसमें हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही डालते हैं, इन्फोग्राफिक्स डालते हैं, क्विजेस करवाते हैं, उसके अलावा कोई भी जो है चीज़ नहीं डालते हैं, कोई भी ऐसे कॉमेडी वगैरह नहीं डालते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया ही है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके जो है विजिट कीजिए, आप देखिए सिर्फ एजुकेशन कंटेंट होगा वहां पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिवर से जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया का जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर बताइए, तो कौन सा है। तो आप देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, तो पेनिनसुलर रिवर का जो है वो लार्जेस्ट जो होगा वो हमारे पास सही ऑप्शन होने वाला है गोदावरी, कौन सा होगा, गोदावरी होगा। आप जानते हैं कि गोदावरी जो है वो इंडिया का सेकंड जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर भी है गंगा के बाद, लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे तो गोदावरी हमारे पास होगा। अच्छा, इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो वो गोदावरी जो है वो सही है, क्योंकि गोदावरी जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। अच्छा, गोदावरी निकलता कहाँ से है, ये निकलता है हमारे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है ये निकलता है। आपको ये भी पूछा जाता है कौन सा जो है वो कहाँ से निकलता है, ओरिजिनेट कहाँ होता है, उसका सोर्स क्या है। इसकी लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर जो होगी वो गोदावरी की लेंथ होगी। महाराष्ट्र है, उसके बाद ये तेलंगाना जाता है, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश चला जाता है, फिर वहां से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अल्टीमेटली जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ही ये गिरता है, तो गोदावरी याद रख लेना। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गुरु शिखर पीक जो है इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अभी हम अरावली रेंज के बारे में पढ़े और अरावली रेंज में हमने ये पढ़ा कि जो गुरु शिखर है वो अरावली पे है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरावली पे जो गुरु शिखर है वो किस स्टेट में है और उसकी हाइट कितनी है, ये सारी फैक्ट अगर उसके रिलेटेड आ जाए तो क्या आप लिखेंगे, तो आप याद रखेंगे ये राजस्थान में है, जो गुरु शिखर है ये जो पीक है ये अर्बुदा माउंटेन पे है और ये माउंटेन राजस्थान पे होगा, ये हाईएस्ट पीक किसकी रहेगी, अरावली रेंज की। तो रेंज क्या होता है, पीक क्या होता है, मतलब
ठीक है, माउंटेन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी जो है पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका जो अल्टीट्यूड होगा इस रेंज का, तो ये 5676 फीट होगा, मतलब 1722 जो है वो मीटर होगा। ठीक है, तो आप इसे जो है वो याद रख लेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो नीचे कमेंट के लिए आंसर के लिए जो है दे रहा हूँ, ताकि जो है आप इसका आंसर दे पाए और अगली सेशन में जो है इसका आंसर भी मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड 0 माइल सेंटर, तो वो कौन सी सिटी है जिसे क्या कहा जाता है 0 माइल सेंटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी लोकेशन की वजह से, ऑन इंडिया ज्योग्राफिक सेंटर, तो इंडिया का ये ज्योग्राफिक सेंटर भी माना जाता है। अब वो सिटी है आपके पास, ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, जबलपुर या इंदौर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी सिटी है और आपको इसका आंसर जो है वो अगले लेक्चर में जरूर मिलेगा। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, चाहे माउंटेन है, चाहे ओशन है, चाहे सॉइल्स है, चाहे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो इससे ओवरऑल जो है वो रिविजन हो जाती है, जो भी आप थ्योरी में चीजें पढ़ते हैं तो आपकी एक कॉन्फिडेंट आता है इन एमसीक्यू से, सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंट आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।